हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे देख सकते हैं जो कार है हुंडई वरना पेट्रोल है जो कि इसमें प्रॉब्लम है। जैसे देख सकते हैं एयरबैग की लाइट आता है डिस्प्ले पे जो कि गाड़ी स्टार्ट है और भी कोई लाइट इंडिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ एयरबैग की लाइट आता है। तो देख सकते हैं अभी हम गाड़ी बंद करेंगे और बंद होने के बाद जब स्टार्ट करते हैं तो लाइट जाके फिर वापस चले आता है। जैसे देख सकते हैं अभी हमने गाड़ी स्टार्ट किया और लाइट जाएगा फिर वापस चले जाएगा, जैसे गया वापस आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम है, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जो कि कुछ लूज़ कनेक्शन है, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है। तो देखेंगे, हम चेक करेंगे क्या है प्रॉब्लम और सबसे पहले करेंगे स्कैन। जैसे कि जो है मेरे पास स्कैनर है, देख सकते हैं हम स्कैन करते हैं। जैसे देख सकते हैं स्कैनर में सबसे पहले हमें लोकल डायग्नोस में जाना होता है। इसके बाद तो जैसे देख सकते हो ओपन होता है सब, उसके बाद पिन सेलेक्ट करना होता है जिससे 16 पिन करता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली सर्च कर सेलेक्ट करना होता है। फिर इसके बाद हेल्थ रिपोर्ट निकालता हूँ। जैसे जैसे हेल्थ रिपोर्ट सेलेक्ट किया हमने और हेल्थ रिपोर्ट में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्ट रहेगा और भी चीज़ें रहेगी, इंजन का और भी सब चीज़ें सब आएंगी हेल्थ रिपोर्ट में। तो जैसे ही देख सकते तो अभी हो रहा है जो कि 100% होने तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो देख सकते हैं जैसे हो गया, इसमें देख सकते हैं आ रहा है साइड एयर बैग फ्रंट पैसेंजर रेजिस्टेंस टू हाई दिखा रहा है और नीचे भी देख रहे हैं कि फ्रंट ड्राइवर भी आ रहा है, दोनों आ रहा है और ड्राइवर का और पैसेंजर दोनों दिखा रहा है, जो कि देख सकते हैं अगर कोई एक चीज़ दिखाता तो समझ में आता क्योंकि इसमें दो दो दिखा रहा है, जो कि इसमें दो ही एयरबैग अवेलेबल है। तो देख सकते हैं इसमें हमें चेक करना पड़ेगा क्या है। एक बार डिलीट करता हूँ, डिलीट करके देखते हैं लाइट क्लियर होता है कि नहीं होता है, बट नहीं हुआ है। जैसे ही देख सकते हैं लाइट क्लियर नहीं हुआ तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या है प्रॉब्लम। तो आगे देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बरोबर। तो इस तरह से हम सबसे पहले देखेंगे अपना, देख सकते हैं ये पैसेंजर एयरबैग जो ग्लोव बॉक्स ऊपर रहता है फिटिंग रहता है, तो इस तरह ग्लोव बॉक्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं सॉकेट निकाल के या कनेक्ट है बरोबर कि नहीं है, तो एक बार उसको निकाल के लगाते हैं। तो जैसे ही देख सकते हैं ये रहा पैसेंजर एयरबैग जो कि सीट के नीचे भी रहता है इसका सॉकेट, तो सीट के नीचे वाला भी निकाल के लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये देख सकते हैं जो कि हमने सब कुछ कर लिया चेक और अब करेंगे स्कैन करके डिलीट करके करेंगे स्टार्ट। देखेंगे जैसे ही देख सकते स्कैन हो रहा है, डिलीट हो रहा है जो भी है, मैंने क्लियर कर रहा हूँ। अभी क्लियर होने के बाद चेक करेंगे फिर डिस्प्ले की एयरबैग की लाइट जाती कि नहीं, जो कि एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल नीचे रहता है जो गियर लीवर रहता है उसके नीचे रहता है जस्ट, उसका भी सॉकेट मैंने निकाल के लगा लिया क्योंकि वहाँ से ही लग रहा था मुझे। तो सब कर लिया और देख सकते लाइट क्लियर कर दिया हूँ जो कि अभी नॉर्मल दिखा रहा है, बट अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते कि डिस्प्ले से लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जैसे ही देख सकते अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, जैसे ही देख सकते लाइट गया वापस बंद करके स्टार्ट करता हूँ। तो देख सकते जैसे कि लाइट गया जो कि इसमें जो प्रॉब्लम था वही था जो कंट्रोल मॉड्यूल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसके लिए सब चीज़ों का दिखा रहा था और प्रॉब्लम उसका ही था।